What's happening guys? आज बात कर रहे हैं इलॉन भैया के बारे में। मतलब इलॉन भैया वो हैं जो अलग ही लेवल पे काम करते हैं। दुनिया जो है इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने में लगी हुई है, ये जो है इलेक्ट्रिक ट्रक लेके आ चुके हैं। अगले साल तक जो है ये हमें दिख भी जाएगा रोड्स पे, नॉट इन इंडिया बाय द वे। तो टेस्ला के साइबर ट्रक की आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। कल जो है इसको ऑफिशियली अनवील कर दिया गया है, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ रिवील हो चुकी है और आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में इन डिटेल बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके लॉन्च इवेंट के बारे में बताता हूँ। जो टेस्ला के लॉन्च इवेंट्स होते हैं ना, वो बड़े ही अनोखे टाइप के होते हैं और यहाँ पे भी जो है कुछ अनोखी चीजें हुई। सबसे पहले तो भाई लॉन्च इवेंट का थीम ही देख लो, मतलब ब्लैक लेदर जैकेट्स, ब्लैक बूट्स, तो मतलब एक बैडएस वाला फील था पूरे लॉन्च इवेंट में। उसके बाद कुछ और भी काफी सारी अतरंगी चीजें जो है इस लॉन्च इवेंट पे हमें देखने को मिली, जिसपे आगे चल के बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं एक और अतरंगी चीज की, दैट इज डिजाइन। तो बेसिकली मतलब हमें जो है अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक कार्स में डिजाइन देखने को मिलती है और यहाँ पे जो टेस्ला का डिजाइन है वो भी काफी अलग है। मतलब डिजाइनर्स ने बोला होगा कि हम क्या बनाएं, तो इन्होंने सारे डिजाइन देखे और ये ना चल चलो हमें कुछ और दिखाओ। तो अब जो है ऐसे एक एंगुलर सा अलग ही किस्म का डिजाइन हमें देखने को मिला है। लॉन्च इलॉन मस्क का कहना था कि 100 साल से जो है पिकअप ट्रक्स का डिजाइन मोर ऑर लेस सेम सा ही रहा है, जो कि गलत नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट एक सा ही लगता है। तो इसी वजह से एक बिल्कुल ही अलग डिजाइन जो है यहाँ पे टेस्ला लेके आई है अपने साइबर ट्रक का। बहुत ही शार्प और एंगुलर डिजाइन है और इस पे जो है मिक्स्ड ओपिनियन हो सकते हैं। अभी इस टाइप के डिजाइन को लोग कितना ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे वो देखने वाली बात है, बट जो डिजाइन है मेरे ख्याल से काफी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है और फिलहाल इस टाइप के डिजाइन हमने देखे नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में हम श्योर कि ऐसे और बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक डिजाइन देखते देखते हमें जो है इस टाइप के डिजाइन की आदत पड़ जाएगी। तो जो डिजाइन है वो नॉर्मल किसी पिकअप ट्रक की तरह दिखता नहीं है, बिल्कुल ही अलग टाइप का दिखता है। और ये ना ही सिर्फ दिखता है, ये टिकता भी है। मतलब कि जो यहाँ पे इसका एक्सोस्केलेटन बनाया गया है वो 30x कोल रोल स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। ये वही सेम मटेरियल है जो टेस्ला अपने स्टारशिप रॉकेट में यूज करती है। लॉन्च इवेंट पे जो है उन्होंने दिखाया भी कि भाई ये कितनी मजबूत है। मतलब स्लेज हैमर लेके आ गए थे स्टेज पे, पल टर्म्स में बड़े वाला हथौड़ा लेके आ गए थे और दे मारा उसके बॉडी पे, बट कुछ हुआ नहीं। तो आप समझ जाओ कि जो बॉडी है वो कितनी ज्यादा मजबूत बनाई गई है। मटेरियल डिजाइन सारी चीजें जो है बिल्कुल रॉक सॉलिड बनाया गया है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जो कि मतलब ठीक है, चलो होता है। यानी कि इलॉन मस्क ने जो है बताया कि जो ग्लासेस यूज किए गए हैं वो टेस्ला आर्मर्ड ग्लास है और वो जो है मतलब लोहे के बॉल वॉल से भी नहीं टूटने वाली। और एक्चुअल में जब ग्लास अलग से दिखाया गया उसमें बॉल वॉल गिराया गया अलग अलग हाइट से, वो टूटा नहीं। बट जब कार पे दे मारा तो कार में जो है वो शीशा फट गया, वो भी लाइव लॉन्च इवेंट पे। बट चलो कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। बट ऑल इन ऑल एक चीज है, डिजाइन बड़ा ही शार्प एंगुलर फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आएगा। बेसिक पर्पस है वो इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी ये फुलफिल कर देगा। इंटीरियर की बात करते हैं, देखो इंटीरियर्स पे जो है ज्यादा विजुअल्स वगैरह हमें अभी देखने को मिले नहीं है, लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करें तो वही टिपिकल टेस्ला का डिजाइन थीम है, यानी मिनिमलिस्टिक डिजाइन अप्रोच। आपको जो है एक 17 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा और ये जो ट्रक है 6 लोगों को आराम से बैठा सकती है, विच इज डेफिनेटली वेरी गुड। यहाँ पे आपको एक यू शेप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली आज तक हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कार्स में देखते हैं और थोड़ी मोटी स्पोर्ट्स कार्स में देखने को मिलता है, बट वो भी फुल इस टाइप की यू रहती नहीं है। तो यानी कि सारी कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इन प्रोडक्शन फॉर्मेट, जो कि बहुत अच्छी बात है। पावर ट्रेन्स के बारे में, और पावर ट्रेन्स के बारे में मैं आगे बात करूं, उससे पहले आपको एक छोटा सा हिंट दिखाता हूं। इन्होंने जो है इस ट्रक को रेस करवाया एक लेटेस्ट पोर्श के साथ और जाहिर सी बात है ये जीत गए, तो आप समझ जाओ कि कितना ताकत और कितना पावर, कितना ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ये कार, ये ट्रक आपको रिटर्न करने वाली है। तो यहाँ पे 3 पावर ट्रेन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंगल मोटर रेयर व्हील ड्राइव यूनिट के साथ आता है जिसका रेंज है ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। दूसरा है डुअल मोटर ऑन व्हील ड्राइव यूनिट जिसका रेंज है ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर। और जो लास्ट इंजन जो लास्ट पावर ट्रेन ऑप्शन है, जो कि सबसे हाईएस्ट रेंज और पावर वाला है, वो है ट्राई मोटर सेटअप। उसका जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर है। तो आप समझ लो कि यहाँ पे जो है ये अपने आप में एक बहुत ही हाई रेंज अटेन कर रहा है।
सिंगल मोटर यूनिट है वो 0 to 96 किलोमीटर पर आवर जो है ऑलमोस्ट 6.5 सेकंड में अचीव कर लेता है और जो ट्राई मोटर सेटअप है वो 2.9 सेकंड्स में, तो स्पीड वाइज जो है ये एक सुपर कार को टक्कर दे सकती है। यहाँ पे एक और चीज बहुत गौर करने वाली है ये पिकअप ट्रक, तो इसका जो बेसिक काम है वो है लोड लेके जाना, तो ये लोड कितनी ले सकती है। देखो अगर क्लेम लोड बेयरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे ये कार जो है अपने बेड पे ऑलमोस्ट 1.5 टन लेके जा सकती है, टोइंग कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट 6.4 टन है, तो ये जो है एक और अच्छे खासे लोडेड पिकअप ट्रक को भी खींच सकती है। तो क्योंकि ये टेस्ला है तो इसी वजह से ऑटो पायलट और जितने भी तमाम स्मार्ट फीचर्स हैं वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी इस पिकअप ट्रक में देखने को, और इसके अलावा जो है इसमें एडेप्टिव एयर सस्पेंशन भी मिल जाता है जिससे आप जो है ऑन दी गो इसके हाइट के साथ, मतलब इस पिकअप ट्रक के हाइट के साथ जो है चेंजेस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसके डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान टेस्ला ने जो है अपना एक ATV भी दिखाया जो इसके साथ इन्होंने डेवलप किया है, हालांकि ये सेल होगा या नहीं इसके बारे में अभी पता नहीं है। जो ATV है बड़े ही आसानी से इसके इनबिल्ट रैंप और इसके एडेप्टिव एयर सस्पेंशन की वजह से आराम से इसको जो है उसके बेड पे जो है पार्क किया जा सकता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक टेस्ला की तरफ से एक टू व्हीलर या ATV जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा, तो मैं तो यार काफी वेट कर रहा हूँ कि कभी आगे चल के जो है टेस्ला की तरफ से हमें एक टू व्हीलर भी देखने को मिल जाए या एक ATV ही देखने को मिल जाए। तो ऑल इन ऑल गाइस ये था टेस्ला का साइबर ट्रक, इसका जो लॉन्च है वो किया गया है एट अ प्राइस ऑफ $39,990 जो कि अच्छा खासा है। गूगल पे जाओ या खुद जाके जो आप ट्रांसलेट कर लो कि इंडियन करेंसी में कितना होगा और करके जो है बस आप सो जाना, क्योंकि ये कार जो अभी फिलहाल हमारे मार्केट में तो नहीं आ रही है क्योंकि टेस्ला के मॉडल 3 वगैरह ही कब आएगी इसके बारे में ही कुछ भी नहीं मालूम है। तो बस ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको टेस्ला का साइबर ट्रक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है प्लीज अपने ओपिनियन जरूर बताना। और इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं ऑलवेज असनो सी टू सेंड राइट एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन राइड, टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।